Good morning, children. I'm your class teacher from Sumit Singh Convent School. So, how are you today? कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप लोग को हम लोग के पहले दो क्लास में, दो वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा. तो आज हम लोग अपना तीसरा लेसन स्टार्ट करेंगे मैथ्स में. तो आप लोग अपनी अपनी क्लास UKG की मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए, एबेकस. ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोग पहले की जो दो वीडियो थे उसमें आप लोग ने क्या क्या पढ़ा था. आप लोग को पता तो होगा, बट मैं फिर से आप लोग को बता देती हूँ. हम लोग ने पढ़ा था कंपैरिजन. ठीक है, कंपैरिजन में हम लोग ने बिग एंड स्मॉल पढ़ा था. बिग एंड स्मॉल मींस बड़ा और छोटा. लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ा था, लंबा और छोटा. हैवी एंड लाइट पढ़ा था, भारी और हल्का. और क्या पढ़ा था? टॉल एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा. आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग हाई एंड लो. हाई एंड लो, इसको पढ़ने से पहले आप लोग ऊपर क्लास का नेम डाल लीजिए, क्लास बुक डाल लीजिए और यहाँ पे डेट डाल लीजिए. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाई एंड लो. हाई एंड लो का मतलब पहले समझिए आप लोग, ऊंचा और नीचा. ठीक है, हाई मींस ऊंचा होता है और लो मींस नीचा होता है. ठीक है, तो ये पिक्चर देखिए पहले आप लोग. ये क्या है? ये डॉग है और ये छोटा पप्पी है. छोटा पप्पी क्या बोल रहा है? आई एम लो. और ये डॉग क्या बोल रहा है? आई एम हाई, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा ऊंचे पे, ये हॉट एयर बलून पे बैठा है ना, तो ये इसको बोलते हैं हॉट एयर बलून. ठीक है, तो इस पे बैठा है तो ये थोड़ा ऊंचे पे है और ये नीचे ज़मीन पे है. ठीक है, इसी को बोलते हैं हाई एंड लो. तो अब इसका एक्सरसाइजेस करते हैं हम लोग. टेक द हाईएस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द हाईएस्ट वन. जो हाईएस्ट ऑब्जेक्ट है मतलब ऊंचे पे है, उसे हम लोग टिक करेंगे और जो सबसे ज़्यादा ऊंचे पे उसे हम लोग क्रॉस करेंगे. ठीक है, पिक्चर देखिए आप लोग. एरोप्लेन, बर्ड और काइट बनी है. तो काइट, इन तीनों में से ऊंचे पे काइट लग रही है तो काइट पे हम लोग टिक कर देंगे. उसके बाद एरोप्लेन सबसे ऊंचे पे है तो इस पर हम लोग क्रॉस कर देंगे. ओके, इसे आप लोग कर लीजिएगा. तो आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइजेस पे. कलर द लो ऑब्जेक्ट विथ ब्लू एंड लोएस्ट वन विथ ग्रीन. जो नीचे है, लो मीन्स अभी बताया था ना नीचे पे, तो जो लो है उसे हम लोग ब्लू से करेंगे और जो सबसे ज़्यादा नीचे है उसे हम लोग ग्रीन से करेंगे. ठीक है, तो ये तीन बर्ड देख लीजिए आप लोग. इसमें से नीचे पे ये है तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? ब्लू करेंगे. हमने ब्लू लिख दिया है इस पर. और ये सबसे नीचे पे है तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? ग्रीन करेंगे. ठीक है, इसे आप लोग कर लीजिएगा. उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन पे. नेक्स्ट, ओपन पेज नंबर 8. इसमें क्या लिखा है? इन फ्रंट एंड बिहाइंड. ठीक है, इस पर भी आप लोग डेट, क्लास वर्क, सब यू क्लास सब कुछ मेंशन कर लीजिएगा. ठीक है, इन फ्रंट एंड बिहाइंड का मतलब होता है सामने और पीछे. तो देखिए, ये स्क्वेरल बनी है और ये कैट बनी है. कैट मींस बिल्ली, स्क्वेरल मींस गिलहरी. ठीक है, गिलहरी क्या बोल रही है? आई एम इन फ्रंट ऑफ द लॉग. मैं लॉग के आगे हूँ, सामने हूँ. लॉग मींस ये देखिए जो बड़ा सा लकड़ी रखी है. ठीक है, मैं लकड़ी के सामने हूँ, फ्रंट में मतलब सामने. और ये कैट क्या बोल रही है? आई एम बिहाइंड द लॉग. मैं लॉग के पीछे हूँ. ठीक है, तो बिहाइंड मींस पीछे होता है. मैं लकड़ी के पीछे हूँ. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, इसी को कहते हैं इन फ्रंट एंड बिहाइंड. ठीक है, एक्सरसाइजेस पे आते हैं. रिंग द प्लेयर हु इज इन द फ्रंट ऑफ द विकेट एंड टिक द प्लेयर हु इज इन बिहाइंड द विकेट. जो प्लेयर, देखिए प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, जो विकेट के मतलब फ्रंट में है, सामने है, उसे हम लोग को रिंग करना है, गोला बनाना है. ठीक है, और जो पीछे है उस पर हम लोग को टिक करना है. देखिए ये जो 3 स्टिक बनी हुई है इसे कहते हैं विकेट. ठीक है, ये देखिए एक खिलाड़ी बना हुआ है, ये विकेट के सामने है, फ्रंट में है ना, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? गोला बनाएंगे. और ये पीछे है तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे. ठीक है, ये आज का आप लोग का पूरा था. इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग इसे कंप्लीट करने के बाद इवनिंग तक मीन्स शाम तक आप लोग मेरे पास इसकी फ़ोटो भेजेंगे. ठीक है, और फिर भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मेरे पास कॉल करके आप लोग मुझसे तुरंत पूछिएगा. ठीक है, जिससे मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ. ओके, थैंक यू.